मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज कोतवाली परिसर में रह गया। यूं तो हम कोतवाली पर आना होता है, वाद विवाद में आना होता है, लेकिन आज हम खुशी के माहौल में आए हैं। खुशी का माहौल हम इसलिए कहेंगे तो हमारे 3 महारथी हैं आज हमें छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे गैर जनपद उनका ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन खुशी इस बात की और भी है क्योंकि जहां भी जाएंगे ये तीनों वो शहर हैं जो हमारे जहां क्षेत्र में नाम रोशन कराए, ऐसे ही वहां भी नाम रोशन। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे सुधीर भाई से। सुधीर भाई, हम सबसे पहले तो आपको खैर मकदम करते हैं, अपने चैनल में स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतना कार्यकाल रहा, इतना सुंदर कार्यकाल रहा, जो लोग तारीफ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बिग न्यूज 7 की तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि आप जब भी कुछ ऐसा कार्य होता है आप बिल्कुल उपस्थित होते हैं, इसके लिए आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद। और यहाँ मेरे 3 साल कटे हैं, बहुत अच्छा सफर रहा मेरा, काफी घटनाएं भी हमने खोली, जनता का बहुत प्यार मिला, बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद मिला, अधिकारियों की तरफ से कभी हमें कोई दिक्कत नहीं है और जनता का बड़ा स्नेह मिला है हमें। इतनी घटनाएं पर हमने काम किया और सभी घटनाएं सफलतापूर्वक बड़े इजी गोइंग आपने देखा हुआ खोली है और जनता ने बड़ा ही हमें प्रोत्साहन किया। कितनी अभी 2 दिन पहले भी हमने तार तोड़ पकड़े थे, इसमें काफी लोगों ने हमें बड़ी प्रोत्साहन किया, अधिकारियों ने हमें बड़ी सराहना की थी। तो ऐसा जब ऐसा करते रहते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और यह 3 साल के कार्यकाल में एक बार भी हमें शायद निराश होना नहीं पड़ा, ना ही घटना को लेकर, ना ही किसी ऐसे कुछ किसी कार्य को लेकर कि हमें परेशान होना पड़ा हो। और अच्छा, हमने सम्मत देखा तो है कि आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज की आप जो इस तरीके से विदाई हुई है, लोग पूरा क्षेत्र आपको विदा करने आया है, इस बारे में उन क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन क्षेत्रवासियों को बड़ा दिल से स्नेह करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतने लोग हमें विदाई के लिए आए हैं और हमें जो है आशीर्वाद दिया है कि अगले जिले में जाकर भी तुम अच्छा कार्य करो। अच्छा सुधीर भाई, एक बात और हम ये पूछेंगे आपसे, हम देखते हैं कि जब किसी कोई भी घटना का अनावरण होता है और जो पीड़ित होता है उसके चेहरे पर उस समय मुस्कान होती है, तो आपके चेहरे पर मुस्कान हो, उस समय के पलों को कैसे साझा करेंगे? जब किसी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण होता है, जैसे अभी आपके यहाँ 10 अंगूठी चली गई थी, 8 अंगूठी जो भी थी, और हमने सभी सारे अभियुक्त, घटना में प्रयुक्त वाहन और सारी अंगूठियां बड़े इजी से तरीके से बरामद की, तो उस टाइम वो गरीब आदमी था बेचारा जो सुनार था, लेकिन जब उसे अंगूठी मिली वो वास्तव में बार बार हमें हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था और हमारे दिल को इतना सुकून मिला था कि अच्छी पुलिसिंग और सही पुलिसिंग हम कर रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा था। अच्छा सुराजेंद्र, सोनू भाई यूं तो समय जहांगीराबाद की कोतवाली पे कम रहा, लेकिन जनपद में पूरे 13 साल बिताए हैं, 13 साढ़े 13 साल, कैसा रहा जनपद से सभी थानों का सफर और जहांगीराबाद थाने का सफर? जनपद में लगभग 13 वर्ष का समय पूर्ण करने के पश्चात आज हमारा जहांगीराबाद कोतवाली से गैर जनपद स्थानांतरण होने पर पूरे जनपद में हमारा कार्यकाल बहुत, जिले की जनता का बहुत अच्छा प्रेम मिला, सहयोग मिला, और जहांगीराबाद क्षेत्र में इतने कम समय में इतना ज्यादा यहाँ की पब्लिक का हमें प्यार मिला, यहाँ के संगठन जो सामाजिक संगठन है उनका इतना प्रेम भाव सद्भाव, इतना मतलब मैं अपने वर्णों में व्याख्या नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना यहाँ का प्रेम मिला है और इतना कम समय में यहाँ के हमें जो लक्ष्य मिला उसकी प्राप्ति के सापेक्ष हम बहुत प्रसन्नचित प्रफुल्लित और यहाँ की जनता को हमेशा हमेशा याद रखेंगे, जो यहाँ के लोग हमारे दिलों में विराजमान है वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अच्छा ये तो आप जब समय समय पर थाना चेंज करते हैं, स्थानांतरण होता है, लेकिन आज यहाँ से स्थानांतरण नहीं, आप जनपद जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो वो लोग हमें दूसरे थाने में जाके मिल जाते हैं, मिलने आ जाए करते, लेकिन आज हमारा आप जनपद छोड़ के जा रहे हैं, ये तो एक विभागीय प्रक्रिया है, कहीं थाने का समय पूर्ण, कहीं जिले का समय पूर्ण, और कहीं सेवा का भी समय पूर्ण का मौका मिलेगा। तो यहाँ की जनता से हमें वास्तव में बहुत प्रेम मिला है, बहुत कम समय में उच्च कोटि का प्रेम, हृदय गति से, जो हृदय तल की गहराइयों से प्रेम मिलना चाहिए तो वो मिला है, हम यहाँ की जनता का वास्तव में अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। यहाँ की तमाम संस्था जितनी भी हैं थाना जहांगीराबाद क्षेत्र की, वास्तव में बहुत अंतरात्मा से हमें प्यार मिला। अच्छा, ऐसा कौन सा अनावरण था जो आपने किया हो और आपको बड़े मन से खुशी मिली, कोई भी थाने क्षेत्र का हो? ऐसी घटना हमारे कार्यकाल में शिकारपुर कोतवाली में एक डबल मर्डर की अज्ञात में हुई थी, जिसका हमारे साथियों द्वारा, टीम द्वारा
उसका सफल अनावरण होने पर हमें अंतरात्मा को बहुत खुशी हुई। जिसने जो अपराध किया उसे उसकी सजा मिली और हमारे अधिकारियों द्वारा वास्तव में हमें उच्च कोटि का प्रोत्साहन प्रदान किया गया। चलिए, मेरे साथ जो सोनू बता रहे थे कि हमारा पूरे जनपद में कैसा कार्यकाल रहा और किस तरीके से लोगों का प्यार भी मिला। वाकई वो प्यार के पल होते हैं जब लोग हमें विदा करते हैं, उन खुशी के पलों को महसूस भी हम शब्दों में नहीं कर सकते। मेरे साथ में और लोगों से भी सम्मान की थी और हमारे प्रद्युम्न कौशिक साहब औरंगाबाद से डीटू भाई आए हुए हैं, उनका भी अवसंख्य भैया हमारे बीच रहेगा। अब हमारे बीच नगेंद्र रावल जी बस वो बस आज चढ़ती भैया थोड़ा साथ में भैया थोड़ा सा सब लोग आ जाते हैं। साथी साधन आमंत्रित है।